पेंटिंग मैंने स्विचेस कर किए हैं, ये मेरा रूम का सीलिंग, पंखा चल रहा है लेकिन पंखा चेंज होने वाला है, उधर एक लाइट कनेक्ट होनी बाकी है, बाकी लाइट्स कनेक्ट हो गई है और मैंने चप्पल नहीं पहने थे अंदर में जाने, बट ये मेरा कंप्यूटर टेबल है इसलिए अभी पीसी से स्ट्रीम नहीं हो सकती, अंदर दिखा के लाओ पूरा। हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आज ब्लॉगिंग हो रही है। सो एज तुम लोग को पता है कि मैं अपना रूम रेनोवेट कर रही हूँ। वन थिंग मैंने तुम लोग को नहीं बताया था इज़ दैट मैं एक्चुअली अपना रूम एक्सचेंज कर रही हूँ अपने मॉम डैड के साथ, तो मेरे मॉम डैड ये रूम में शिफ्ट होने वाले हैं एंड मैं वो रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ। एंड अभी तक का प्रोग्रेस ये है कि पेंटिंग बाकी है, फर्नीचर रूम में डालना बाकी है एंड फ्लोरिंग बाकी है, बाथरूम हो गया है, ठीक है। सो मेरा जो पीसी टेबल था वो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, एज यू गाइस कैन सी, एज यू गाइस कैन सी। अभी के लिए तो ये रूम मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा सारा पीसी का पार्ट्स है, एक पीसी यहाँ पर है, दूसरा पीसी ख़राब हो गया है, तुम लोगों को पता ही होगा दूसरा पीसी मेरा ख़राब हो गया है तो वो रिपेयर होने गया है, एंड बाकी का एक पीसी यहाँ पे है, सारे केबल्स एंड ऑल सब, ये चेयर पर भी अभी कुछ सामान रखा हुआ है, एवरीथिंग ये सब स्टोरेज जैसा अभी सामान फुल यहाँ पे भरा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। ओके सो अभी के लिए तो मेरे रूम के ये हाल है एंड ये रूम में ऑब्वियसली कोई सो नहीं रहा है, मैं और मम्मी ऑल्टरनेट कर रहे हैं सोफा पे सोने के लिए, पापा भी सोए थे एक रात सोफा पे, सो हम लोग तीनों ऐसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं कि कौन उस रात सोफा पे सोएगा। एंड ऑफकोर्स मेरे मॉम डैडी सिंगल बेड पर नहीं सोने वाले हैं, ब्रिंग अ डबल बेड इन हियर, एंड ये रूम भी मतलब काफ़ी चेंजेस हो गए बट अभी के लिए वो रूम पे फोकस कर रहा है क्योंकि मेरा रूम हो गया तो मैं अपना पीसी उधर सेटअप करके अपना काम चालू कर सकती हूँ, जो पीसी मेरे पास अभी है जो काम करता है। सो अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि वो रूम में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। और बोल चुके वॉकिंग का टाइम हो गया है, शाम के 4 बज रहे हैं, दिन में 3 बार वॉकिंग जाता है ये नीचे बाथरूम जाने, उसके नानू उसको लेके जा रहे हैं हमारे डॉग वॉकर, एक और दिन छुट्टी पे और ये भाग गया मस्ती खोर, चल उल्टू चल चल बैठ, ट्रीट दे के पहनता है ये, चलो उल्टू मैं वो क्या खा रहा है, जाओ जाओ चल हाँ वॉकिंग करके आओ। सो आज 2-3 शूट्स होने वाले, एक तो मुझे कैप वाला रील बनाना था मॉम डैड के साथ, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बहन के वहाँ गई हुई है सो वो हम लोग कल बनाएंगे, एंड कुछ शूट्स है जो शाम को मैं रोहन के घर पे जाके करूँगी, यहाँ पे नहीं बिकॉज आज यू कैन सी यहाँ पे बहुत आवाज़ है एंड मेरे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है बिकॉज हर जगह सामान रखा हुआ है, सो आई एम गोना गो टू रोहन हाउस एंड शूट ओवर देयर, 2 रील बनानी है वहाँ पे। बाकी तो आज पेंटिंग होना है तो पेंट हम साथ में सेलेक्ट करेंगे, वो एक लेयर लगा के मुझे दिखाएगी इफ दैट्स राइट एंड इफ दैट्स करेक्ट ही विल पेंट द होल थिंग, या फिर उसमें कुछ ऐड कम कुछ करना है वो तभी देख लेंगे। देखो खाना खा रहा है बोल टू उधर और एकदम धक्का मार मार के चिप और धक्का मारता है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, कैसे धक्का मार के बैठता है बोल टू सम लंच फ्रॉम निशा जो पापा के पीछे छुप गई है एंड प्रिंसेस टारिस ऑन टीवी, निशा ने पराठा बना के दिया है हम लंच के लिए, डरा ही नहीं देता है, देखो इतना इतना चिप घुस जाता है ये पैर में, इसको देखो मैं खा के हाथ धोने उठी, सब नीचे जाके सब मिट्टी लेके आए हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी करके इधर आके बैठ गए, इसको ये बोल तू मेरे को बैठना है, बोल तू इसको कोई बात नहीं गाइस, हम लोग साथ में बैठेंगे, हमारे पूरे घर में सब लोग यही कॉर्नर पर बैठते हैं काउच के, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, वोल्ट इधर बैठता है, मम्मी पापा मेरी बहन आती है वो भी इधर ही बैठती है, और वोल्ट को हम यही साइड रख रहे क्योंकि सारे वर्कर्स आ रहे जा रहे हैं तो हम लोग फिर वॉक रहे हैं, उनको डर लग रहा है, इज इन पेलो जेल अगेन फॉर पार्किंग एट एवरीवन। ऐसा लग रहा है बोल तू तू क्या कर रहा है इधर, व्हाट यू आर डूइंग, मुझे थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा नैप लेना है, मेरा सर बहुत दुख रहा है एंड वॉशरूम जाना है, बट पैसेज में दरवाज़ा रखा हुआ है सो मैं कैसे जाऊँ सोचूँ,
बट यस फाइनली मेरे रूम का डोर लग रहा है, इतने दिन से रूम में डोर ही नहीं था तो वॉल्ट जाके नीचे कुछ कुछ उठा के लेके आ रहा था रूम से रात को, बट फाइनली अब वो नहीं कर पाएगा बिकॉज़ वी हैव अ डोर टू आवर रूम। दिस इज द डोर, सेम प्रिंट एज द बेड साइड। वैसे गेमिंग हाउस से मैंने मेरा जो शूट करना है वो वाला सामान मंगवाया था यहाँ पे, एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आज सुबह से मेरे को 2-3 बार कल जो बंदे ने डिलीवर किया था सामान उसने कॉल किया हुआ है, मैंने उठाया नहीं। अभी मैंने फाइनली उठाया तो उसने हेलो बोला लेकिन कुछ बात नहीं की है, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ कॉलिंग मी, एंड देन आई पिक्ड ही डिडंट टॉक ऑल्सो। व्हाई आर यू कॉलिंग मी ब्रदर, कल पार्सल डिलीवर हो गया, हमारे आप कोई रिश्ता नहीं है। आ गई गाइज वापस मैं रूम में, वो वॉशरूम में जाके मैं बोल चूँ और मैं अभी आधा घंटा नैप ले गया उससे उठ गया। क्या क्या बोलती हूँ, अच्छा एसी की हवा खा रहा है, ठीक है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा नैप ले गए, एंड आई जो ये सो थोड़ा सा उधर मतलब पिंक पेंट किया हुआ है वो वॉल पे, बट आई थिंक उसको थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा लाइट पिंक है, लाइक ऐसा टाइप का पिंक है वो, इससे थोड़ा ज़्यादा पिंक डार्क पिंक आई थिंक मुझे करना है। आई शो यू रेफरेंस, दिस इज द टाइप ऑफ पिंक, ये थोड़ा सा इसमें हाँ ऐसा पिंक, अभी जो तुम कुछ ये देख रहे ना इतना थोड़ा सा डार्क करना है ये पिंक, वो वाला थोड़ा सा एकदम ही ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट वो थोड़ा टाइम बाद नैप के बाद उठ के देखेंगे। साउंड आ रहा है मतलब दरवाज़ा लग रहा है, ये मैं सोच रही हूँ गाइस शाम को जो मुझे 2 रील शूट करनी है उसमें क्या पहनूँ, ऑरेंज वाला टॉप पहनूँ जो मेरा फुल स्लीव वाला है, या फिर कुछ क्यूट सी कलर जैसा लाइट पिंक टाइप पहनूँ, जीन्स पहनूँ, जॉगर्स पहनूँ, क्या पहनूँ। और मैं सोच रही हूँ कि वो जो मैंने वो जो यमी डांस वाला चल रहा है अभी सॉन्ग ट्रेंड, उसका भी मैं आज ही शूट कर लेती हूँ उसके लिए, लेकिन मैं स्कर्ट पहनूँगी। अब मेरे कपड़े तो तुमने देखे कैसे सब रखे हुए हैं, सो मेन थिंग इस मुझे समझ में आ रहा है क्या पहनूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है क्या क्या चीज़ें अभी एक्सेसिबल है, बट मैं भी थोड़ा सोचूंगी कि कौन से टाइप, आई थिंक ब्राइट लाइट कलर्स या फिर ब्लैक, कुछ दोनों में से कुछ ऐसा ही, या तो ब्लैक या तो कुछ पिंक, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, आई थिंक सो, क्योंकि मोस्टली अभी सारे ऊपर मेरे सबसे सामने सब स्वेटर्स ही रखे हुए हैं, स्वेटर पहनूंगी तो थोड़ा गर्मी लगेगा। और ये मेरा छोटू हवा खा रहा है, नैप लेगा, हवा खाएगा, क्यूटी क्यूटी। हाँ चलो सीरियसली अभी आधा घंटा बचा है नैप के लिए, क्योंकि 7 बजे मुझे उठना है पेंट देखना है, तब तक दरवाजे का काम हो जाना चाहिए, पेंट का डिस्कस करेंगे, फिर 7:30-8 को रोहन के घर पर जाएगी शूट करने के लिए, रेडी तो मैं ऑलरेडी हूँ, सिर्फ कपड़े देखने हैं क्या पहनूं, 3 कपड़े लगेंगे क्योंकि 2 रील है और 1 डांस वाला है, तो सब में अलग अलग आउटफिट, टॉप तो चेंज कर लूँगी, पैंट देख लेते हैं शायद से सेम पैंट चल जाएगा दोनों में। 1 घंटा हो गया मैं अब तक सोई थी गाइस, मैं थोड़ा सा रील बनाने लग गई थी, रॉकी थोड़ी फुटेज दिखा देगा इधर रील की इधर, और वोल्ट बिल्कुल दांत मार रहा है, देखो वोल्ट कैसे सोता है गाइस मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। He has to sleep, उसका बम ऐसे चिपका के पैर में, वरना वो सोता रही है, या तो उसको मुंह पिल्लो पे लगता है ये साइड पे हमारे मुंह के पास, या तो फिर ऐसे वो बम चिपका के सोता है पैर से। अब मैं पक्का आधा घंटा नैप लेके शूट के लिए जाऊंगी, ओके सी यू। आज रोहन आ गया घर से, मेरी नींद अच्छी खासी नैप ले रही थी, मैं कितना अच्छा नैप ले रही थी पता है, बहुत अच्छा नैप ले रही थी, बट आ गया रोहन टाइम पे मुझे उठाने, अभी हम लोग इसी घर पे जाएंगे, जो ये ऐसी वॉकिंग डिस्टेंस है लेकिन ये सब बॉक्सेस लेके जाना है इसलिए वो गाड़ी में आया पिक करने, लिटरली 30 सेकेंड्स में पहुँचेंगे हम लोग। चलो गाइस अभी हम थोड़ा सा BTS दिखाएंगे तुमको शूट का, मेरा सारा कैमरा ट्राईपॉड सब, 4 स्टैंड आई थिंक दिए ना तेरे घर पे, 2 लाइट
एक वो बड़ा वाला कैमरे वाला स्टैंड और एक फोन वाला स्टैंड, चार स्टैंड दिए हुए रोहन के घर पे रखने क्योंकि मेरे वहाँ पे काम चल रहा है, प्लस इसके खुद के लाइट्स वाइट वो सब भी है। देखो हम लोग पहुँच गए गाइस, चलो पहुँच गए हम लोग, लॉल ड्यूड पहुँच गए गाइस हम लोग। थोड़े से मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई बिकॉज हमको मल्टीपल रील्स बनाने हैं। और ये देखो रोहन ने लिया है ब्रांड न्यू टीवी, टीवी की पार्टी देगा अब वो। या सुन रहे हो एलजी वालों, नेट नहीं है वो अलग बात है, टीवी है। लेकिन ये देखो गाइस रोहन का ईयरफोन कवर केस, ये क्या है, लॉक के साथ है, ये ऊपर करके लॉक हो जाएगा तो गिरेगा तो खोलेगा नहीं, गिरा के देखो। प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं चली यहाँ पे ना, बट ट्राई करना चाहिए ना खरीदने से पहले। नहीं ठीक है, नहीं हम पास्ट माय एडवेंचरस इयर्स ना। और गाइस अभी हम लोग रील शूट कर रहे हैं, फाइनली इतना टाइम लगाए रोहन को सेटअप करने के लिए। मेरे एक्टिंग स्किल्स पे डाउट हो रहे थे, वो देखो मेरे एक्टिंग स्किल्स पे। अरे मैंने लाया थोड़ी गोल 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 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। ये रहा लैपटॉप गाइस, हम शूट कर रहे हैं, रील बन रही है, रील रील्स आर बीइंग मेड। मैं लाइन थोड़ा भूल गई, कोई बात नहीं। न्यू डायनामिक सेटअप। ये रहा गाइस हमारा इस्त्री का टेबल जिसपे हम एक कपड़ा डाल के अब शूट करेंगे हमारा रील। दूसरा लैपटॉप वाला जो रील है वो थोड़ा सा हमारे पास टेबल नहीं है अभी, एक टेबल है वो है उसका प्रॉपर डाइनिंग टेबल जो 0.5x में छोटा लग रहा है, बट एक्चुअली अच्छा खासा बड़ा डाइनिंग टेबल है। बट ऑफकोर्स डाइनिंग टेबल तो पूरा यहाँ तक ला नहीं सकते, तो हमने बोला इस्त्री वाला रख लेते हैं, इसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे, किसको ही पता चलेगा, सामने से देखेंगे तो किसको ही पता चलेगा। ये हमारा, हाँ पूरी दुनिया को पता चलेगा, अब तो तुमको पता है। ये हमारा रिव्यू, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैमरा में क्या दिख रहा है। रोहन तू वापस हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये भी रील ही है, अभी वर्टिकल था वो, अब भी थोड़ा सा उसने हॉरिजॉन्टल किया है। बट यहाँ पे हम देख भी सकते हैं हमको क्या दिख रहा है, वी आर गोना हैव दिस एज आवर बैकग्राउंड क्योंकि ये अच्छा बैकग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा सा। सो लेंस चेंज हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है लेंस चेंज हो रही है, और अब हम करेंगे दूसरा रील शूट। और गाइस हमारा सेटअप हो गया है ये सेकंड वाले रील के शूट के लिए, फुल RGB लाइटिंग कर ली है। यहाँ पे देख सकते हो टीवी पे कैसे दिख रहा है पीछे लाइटिंग इन द रील, यू कैन सी इट नाउ। बट या दिस इज द सेटअप विद इट टू गो। रोहन अभी लैपटॉप खोल रहा है, यू कैन सी काफ़ी इनसेम हैवी लैपटॉप भेजा है जो रोहन अभी अनबॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। एंजॉय गाइस, द ग्रेट उमंग ऑफ एसेट्वेल ने मुझे लैपटॉप की जगह मॉनिटर भेजा हुआ है मेरे शूट के लिए। ये देखो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये लैपटॉप नहीं है। पूरा सेटअप होने के बाद लिटरली पूरा सेटअप हो गया है। मैंने पूछा भी था कि ये क्या मॉनिटर के डब्बे में लैपटॉप भेजा है, तो बोला हाँ 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 हाँ, मैं बोला ठीक है। फर्स्ट अप्रैल है आज गाइस, मेरे साथ हो गया है अप्रैल फूल्स प्रैंक। मैं आई थी एक लैपटॉप का शूट करने, लेकिन मुझे भेजा गया है एक मॉनिटर, जॉर्ड मॉनिटर, बट इसका शूट नहीं है। मेरे को दो जन ने बोला था कि ये मॉनिटर के डब्बे में लैपटॉप भेजा है, सिर्फ डब्बा अलग है। मेरा ठीक है शूट करेंगे मजा आएगा, मेरे मजे ले लिए गए हैं गाइस। फर्स्ट अप्रैल फूल्स प्रैंक हो गया मेरे साथ, वाह उमंग व्हाट अ प्रैंक, मजा आ गया, थैंक यू, अब मुझे प्रॉपर वाला भेजना, थैंक यू। ये था हमारा रील सेटअप पूरा, तुम लोग देख सकते हो वर्टिकल में ऐसे दिखने वाला था हमारा फुटेज, इतना ब्यूटीफुल हाई क्वालिटी, द आर द जी द बी, अच्छा ठीक है ग्रीन है, रेड एंड ब्लू फुल सेटअप किया, बट अप्रैल फूल्स प्रैंक हो गया है गाइस, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, कोई बात नहीं, वी विल डू दिस अगेन टुमारो। चलो गाइस रात के 1 बज गए, मैं जा रही हूँ घर पे हैवी प्रैंक होने के बाद। आई हैड कैरीड एक्स्ट्रा क्लोथ्स एज वेल, अभी के लिए तो काम में नहीं आए, कल सुबह ट्राई करेंगे वापस से। हमने सेटअप तो अनटच्ड रखा है वहाँ पे, बढ़िया। इट्स वेरी लेट ना, आई एम गोना गो होम, मम्मी रुकी है दरवाज़ा खोलने के लिए क्योंकि मैं चाबी भी नहीं लेके आई। आई शो यू गाइस द दीवार का पिंक वॉस। ओह वेट, हु इज दिस, हु इज दिस, कौन आया ये नीचे, कौन आया ये, होल होल
वॉकी वॉकी कर लो मामा, वॉकी वॉकी किसको स्मेल कर रहा है रोहन? हाय मेरी मम्मा। ओके गाइस चलो इसको वॉक करा के घर पे लेके जाते हैं। क्या टाइमिंग पे आई हूँ मैं? तो सुसु नहीं करेगा तो नहीं लेके जाएगी। ए वो अपना कंस्ट्रक्शन सामने बोल, उस पर नहीं। चलो गाइस घर पे जाके तुमको थोड़ा वो पेंट दिखाती हूँ एक बार। ये देखो गाइस बोल्टू को उसका फ्रेंड मिल गया। अभी भागा भागी खेले गए इन लोग। मम्मी को भी भगाता है बोल्टू, पीछे मुड़ के देख रहा है। यही भाई यार उसके दोस्त के साथ खेलने जा रहा है। क्यों तू बाबू? ऐसे बोल्ट के थोड़े से फ्रेंड्स है गाइस बिल्डिंग में नीचे, स्ट्रे डॉग्स उसके कुछ है फ्रेंड्स। खेलता है उनके साथ, मस्ती करता है उनके साथ, फिर आ जाता है घर में। क्योंकि भाई किसी भाग रहे थे। चला गया जब बोल्ट मम्मी को भगाता है यहाँ से घर तक रोज। ये देखा मम्मी रनिंग कर रही है बोल्टू के साथ, उसके दोस्त के साथ खेल के। हो गया थोड़ा मिलता है, आगे पीछे भागते हैं, फिर हो गया। चलो घर चले गए छोटू बाबू। चलो गाइस मैं तुम लोग को दिखाने वाली थी कि कैसा दिख रहा है अभी सब अंदर, लेकिन सारे लाइट्स कवर किए हुए, मतलब स्विचेस सब कवर किए हुए हैं। बट दरवाज़ा दिखा देती तुम लोग को, ये ऐसा स्लैंटिंग डिजाइन है। वैसे तो अभी एक लेयर लगा हुआ है ये प्लास्टिक प्रोटेक्शन का, बट ऐसा स्लैंटिंग वाला डोर डिज़ाइन हमने चूज़ किया है। थोड़ा 0.5 में ट्राई करती हूँ ये ऐसा आउटसाइड डोर के लिए। अभी तो हम पार्ट्स में थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं, तो डोर सारे ये डोर तेरी और वो डोर, समझ रहे हो, सब डोर हम लोग ये वाला करने वाले बाहर की तरफ से। अंदर का जो है वो मैं तुमको दिन में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी सब अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। एंड नीचे मेरे को बहुत लग रहा है जो डोर फिट किया ना, तो उसके छोटे छोटे शार्ड्स सब नीचे है, वो भी मेरे को लग रहा है रूम के बाहर भी लग रहे हैं, तो अंदर तो और डेंजरस होगा। तब मैं वो नहीं दिखा रही हूँ, सुबह दिखाएंगे। बट दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई अप्रैल फूल प्रैंक ब्लॉग। ओके सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।